तो देखिए दोस्तों, विंडोज मूवी मेकर यूज करके आप किस तरह से एक बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं, किस तरह से एक बहुत अच्छा वीडियो, फोटो या कुछ टेक्स्ट को एडिट करके बहुत ही फर्स्ट क्लास एक आकर्षक मूवी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि विंडोज मूवी मेकर का मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और इसमें मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैंने बहुत सारा वीडियो इसमें बनाऊंगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं सारा कुछ बता दूं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा और आप हर पार्ट में जाके उसको देख के उसे अच्छा वीडियो बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज आपके सामने मैं ला रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे सीखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारा फोटोज को एक साथ मिला के हम एक वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट भी एडिट करेंगे, ट्रांजिशन भी लगाएंगे, टाइटल भी लगाएंगे, ओके। और अगर साउंड भी लगाना है तो साउंड भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना मूवी मेकर ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास मूवी मेकर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप मूवी मेकर का फाइल डाउनलोड कीजिए, और दूसरा जो लिंक है वहां से इसका क्रिक डाउनलोड कीजिए, और एक तीसरा लिंक है जहाँ से इसको किस तरह से अपने सिस्टम में इसको परमानेंटली यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, तो वीडियो को देख लीजिए, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर ऐड वीडियो और फोटोज आता है, ठीक है। यहाँ पे ऐड वीडियोज और फोटो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कोई सा भी, ठीक है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो, आपका फोटोज वगैरह है, तो यहाँ से एक एक करके या एक साथ तो कंट्रोल बटन को दबा के रहिए, और हर एक फोटो पर जब आप क्लिक करते रहेंगे तो हर एक फोटो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओपन, ठीक है। ये डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पर ये टाइमलाइन बोलते हैं, टाइमलाइन जहाँ पे ये सब फोटो वगैरह आता है। अगर आप चाहते हैं कोई फोटो आगे पीछे सिलेक्ट हो गया हो तो उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे इस फोटो को अगर सेकंड ऑप्शन में लाना है या फर्स्ट में लाना है तो आप फर्स्ट में ऐसे मूव करके खिसका के पकड़ के ला सकते हैं। चलिए जा क्यों नहीं रही है, अभी फोटो को लास्ट में ले जाना हो, इस फोटो को कहीं इधर ले जाना हो, इस फोटो को इधर ले जाना हो, तब इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फोटो का एक सिलेक्शन, कहाँ कहाँ किस फोटो को रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसानी हो। आप पहले सबसे पहले फोटो का जो ड्यूरेशन है जो प्ले होगा, जैसे मैं यहाँ से प्ले करूँगा, यहाँ से मैं जब प्ले करूँगा, ठीक है, हर फोटो का एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंदर उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो मूवी मेकर का जो डिस्प्ले ऑप्शन होता है उसमें वो क्या करता है, 7 सेकंड, 7 सेकंड का हर एक फोटो को वो ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 फोटो है तो 42 सेकंड इसने ले लिया है। अब उसका कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए फोटो का ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पे वीडियो ऑप्शन पे एडिट पे जाइए और यहाँ पे ड्यूरेशन आपको सामने दिखेगा, जूम कर देता हूँ, देखिए ड्यूरेशन पे आप 7 सेकंड हर फोटो के लिए। आप पर्टिकुलर इस फोटो को क्लिक कीजिए, ये फोटो डिस्प्ले ऑप्शन पे आया है, इसको आप करना चाहते हैं 4 सेकंड, इस फोटो पर क्लिक कीजिए, इसको आप करना चाहते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस फोटो पर क्लिक, इसको करना चाहते हैं आप 5 सेकंड, इस फोटो पर करना चाहते हैं आप कुछ और, ठीक है, फिर 3 सेकंड, इस फोटो को 7 सेकंड रहने दीजिए, इस फोटो को कुछ और बड़ा करना चाहते हैं 9 सेकंड, 8 सेकंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, मैंने आप छोटा कर रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हर फोटो को उतने सेकंड तक ही दिखाएगा। देखिए जितना सेकंड मैंने सिलेक्ट किया है उतना सेकंड के लिए फोटो रहेगा और इसको इस तरह से दिखाता रहेगा, ठीक है। आप चाहते हैं इस वीडियो को आप यहाँ पर ही सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन करना है इस सारे फोटोज में आपको ट्रांजेक्शन यानी कि एनिमेशन डालना है, ठीक। तो मैं एनिमेशन पे जाइए, यहाँ पे दूसरा मेन्यू एनिमेशन है, यहाँ पे देखो होम है, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट है, प्रोजेक्ट है, व्यू है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे है। तो इसको आप सबसे पहले आप एनिमेशन में जाइए, तो एनिमेशन में जाते ही इस फोटो को मैंने सिलेक्ट किया तो इस तरह का एनिमेशन आ रहा है, इस तरह का आ रहा है, कोई भी ले सकते हैं। दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का आ रहा है, तो हर फोटो में अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह आया है तो यहाँ से भी आप कोई भी एनिमेशन यहाँ से ले सकते हैं। जैसे इस एनिमेशन को अगर लेते हैं तो ये इस तरह से ये शो करेंगे, और एनिमेशन हमने लिया है वो कैसे दिखाएगा, देखो क्लिक कीजिए और इस फोटो के ऊपर एक इस तरह का निशान बन जाएगा, इसका मतलब एनिमेशन इसे क्रिएट हो चुका है। इस फोटो के ऊपर नहीं है, इस फोटो के ऊपर एनिमेशन मान लो इस तरह का लेना चाहते हैं, तो मैंने क्लिक कीजिए इस पर बन गया,
इस तरह से इस फोटो के ऊपर यहाँ से एनिमेशन लेना चाहते हैं, ले लीजिए। ठीक है, यहाँ वाला एनिमेशन इस तरह से शो करता है कोने में ऐसे, और इधर वाले इस तरह शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से और एनिमेशन ले लीजिए, इसके लिए ये ले लीजिए, इसके लिए यहाँ से ये वाला ले लीजिए, और लास्ट वाले के लिए कुछ इस तरीके का ले लीजिए। ठीक है, सबने मैंने एनिमेशन ले लिया है, आप प्ले करके दिखाते हैं। देखिए ये आया, उसके बाद ये आया, ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आया, जूम आउट है, ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन आया, ये साइड लेआउट है, ये वाला ऑप्शन आया, उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा। ठीक है, तो इसको आप सेव कर सकते हैं इस तरह से, इसका प्ले मूवी, इसका भी मूवी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर और भी हमें काम करना है अभी। ठीक है, तो अब इसको क्या काम करना है, अब इसके ऊपर टाइटल या आपका जो भी हेडिंग वगैरह डालना, वो दे सकते हैं। जैसे टाइटल, टाइटल मतलब शुरुआत में एक इस जो आपने बनाया है किस विषय पे है, क्या टाइटल होगा इसका, तो मैटर को आप बता सकते हैं। टाइटल पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे टाइटल ऑप्शन आएगा, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट आएगा, तो हमें टेक्स्ट पे डबल क्लिक कीजिए, एम एडिट टेक्स्ट पे कीजिए, इसे मान लो यहाँ है, आप एडिट टेक्स्ट पे करेंगे तो आ जाएगा। क्यों आता है एडिट टेक्स्ट, क्योंकि जब हम टाइटल लेते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल बार आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से फोटो सिलेक्ट करते तो टेक्स्ट टूल बार गायब हो गया, समझ में आ गया। अब एडिट टेक्स्ट करेंगे तो इस टाइटल को मैं बदल देता हूँ, मैं लिखता हूँ मेरा चैनल का नाम है, थोड़ा बड़ा है। अब इस टेक्स्ट को आप यहाँ से एडिट कैसे भी कौन से भी कलर सिलेक्ट करके, बोल्ड इटैलिक करके, टेक्स्ट बढ़ा के कुछ भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। बैकग्राउंड को यहाँ से ब्लैक से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये भागा नहीं है, बस क्लिक कीजिए आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या एनिमेशन है, देख लीजिए ये इस तरह से एनिमेटेड होकर आ रहा है। ठीक है, अब चाहते हैं टाइटल का एनिमेटेड कुछ और हो, ठीक है, तो और भी हो सकता है। और यहाँ पे टाइटल का टेक्स्ट और इसका बैकग्राउंड देखिए बिल्कुल सेम है, ये कम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे टेक्स्ट ड्यूरेशन, यहाँ पे टेक्स्ट ड्यूरेशन देखिए, इसका टेक्स्ट ड्यूरेशन 5.67 और बैकग्राउंड का ड्यूरेशन भी उतना ही है। अगर कम ज़्यादा है तो वहाँ पर यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ तक ड्यूरेशन लेना चाहते हैं फोटो का, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, 10 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल हम इतना रहने देते हैं और इस पर कोई एनिमेशन लगाते हैं, तो जब ये सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, इस तरीके का एनिमेशन पहले से आ जाता है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह से शो करेगा, ये इस तरह से शो करेगा। तो मैं ज़्यादातर ये वाला लेता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक क्लिक कर देता हूँ, तो ये एनिमेशन सिलेक्ट हो चुका है, प्ले करके देख लीजिए, ये इस तरह से आएगा। अरे वेरी इजी, 5 सेकंड के बाद लगभग फिर इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से ये 1x1 इस तरह से जाता रहेगा। ठीक है, जो आप देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट मतलब थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइटल जोड़ना है। अगर किसी एक फोटो के लिए या सारे फोटो में आप कुछ बताना चाहते हैं, ये फोटो इस पर इस विषय में ये है दिखाना चाहते हैं टाइटल के हिसाब से, तो उसके लिए आपको होम बटन पे जाइए। होम बटन पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे कैप्शन, यहाँ पे क्रेडिट। तो क्रेडिट जब लेते हैं तो उसके साथ बैकग्राउंड भी आता है। आप कैप्शन जब लेते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट आता है, तो अगर सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो सिर्फ टेक्स्ट कैप्शन कीजिए। तो कैप्शन पे जाएंगे तो इसका कैप्शन तो है ही, पहले इस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस फोटो पे आपको कैप्शन चाहिए, इस फोटो को चाहिए, जिस फोटो पे चाहिए उस फोटो के लिए कैप्शन पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप्शन टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, ये इतनी इतनी दूरी पे है, मतलब इतना ड्यूरेशन पे है। अब इसका ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर एडिट टेक्स्ट कीजिए, सेम प्रोसेस एडिट टेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए ये इस फोटो को, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब माय चैनल लिखा है, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, या कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, या येलो कर देता हूँ, है ना, इटैलिक कर दिया। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट भी यहाँ पे कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। ठीक है, ये तब शुरू होगा जब यहाँ तक आएगा। देखिए यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेक्स्ट कब आएगा, ये आया और ये गायब भी हो गया। ठीक है, और अगर इसका ड्यूरेशन आप लंबा चौड़ा करना चाहते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन है, तो पहले टेक्स्ट टूल के फॉर्मेट में आइए, टेक्स्ट टूल के नीचे फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट पे टेक्स्ट ड्यूरेशन 1.967 सेकंड है, यहाँ पे आप 7 सेकंड कर दीजिए, तो इस पिक्चर को भी इसने
कवर कर लिया। आप देखिए ये जब तक उस पिक्चर के ऊपर जाएगा तब तक ये टेक्स्ट रहेगा, यहाँ से क्लिक है। इस तरह से आप अगर दूसरा टेक्स्ट देना चाहते हैं इस पिक्चर के ऊपर, तो आप होम बटन पे आइए और कैप्शन पे जाइए, तो दूसरा आ गया, यहाँ एडिट टेक्स्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर आके आप यहाँ के यहाँ आ गए, आपको टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा, यहाँ आप इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसका कलर भी, चलो इसके टेक्स्ट को यहाँ शो करना चाहते हैं, इसका कलर मैं यहाँ से कुछ ऑटोमेटिक ब्लैक कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और साइज़ भी बड़ा भी कर देता हूँ, इसको खिसका के ऐसे बड़ा कर दूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिट हो गया, जब तक ये वाला ऑप्शन आएगा तो वो वाला टेक्स्ट शो करेगा। देखिए वेलकम शो किया, जब तक ये चलेगा तब तक वो शो किया, ठीक है। और ये ठीक है, अब आता है एंडिंग। इस वीडियो का एंडिंग क्या, एंडिंग में क्या देना चाहते हैं, तो आपको पहले कर्सर को एंड में ले जाइए बस, ठीक है। पहले से बंद कर दीजिए और यहाँ पे एडिट में चले जाइए और डायरेक्टर में चले जाइए, किसी में जा सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टर में जाता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर में जाते ही ये इस तरह से आता है, एक बैकग्राउंड है और एक ऐसा है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। और मिटाने के बाद चलो मैंने लिख देता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं एंटर करके दूसरा लाइन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। और इसको जो भी कलर आपको सूट करे आप उस कलर में इसको जा सकते हैं, बैकग्राउंड में आप चलिए ब्लैक रहने दीजिए, ठीक है। आप इसके एनिमेशन अगर कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह शो करेगा, या इस तरह शो करेगा, या इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है, या इस तरह आएगा। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ऊपर से नीचे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 7 सेकंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब देखिए ये जब ख़त्म हो जाएगा तो ये किस तरह शो करेगा, देखिए ये जब ख़त्म हो गया अब ये थैंक यू फॉर वॉचिंग, हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके ये ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारा फोटोज़ को लेके आप टेक्स्ट और टाइटल और एंडिंग ऑप्शन डाल के और फोटो के बीच बीच में आप टेक्स्ट डाल के अच्छा से वीडियो बना सकते हैं इसको दिखाने के लिए। आज मैंने इसमें साउंड का ऑप्शन नहीं बताया है, साउंड का ऑप्शन मैं अगले वीडियो में, जस्ट यही वाला मैं फाइल लूंगा और इसी के ऊपर मैं साउंड ऐड करके आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसके ऊपर साउंड कैसे ऐड करते हैं, ओके। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आप बहुत सारा लेयर ले रहे हैं, बहुत सारा एडिटिंग आप इसमें कर रहे हैं, तो इसको सेव कर लीजिए, सेव जब फाइल बन जाएगा तो उस फाइल को लीजिए, फिर उसके ऊपर फिर एडिटिंग कीजिए 2-3 बार करके, ठीक है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, ऐसे नहीं कोई एक ही दिन में हम सीख गए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह सीख सकते, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 वाला है, मैं पार्ट 2 बाद में आपको पार्ट 2 भी मैं दे दूंगा, आप कभी भी डिस्क्रिप्शन में जाके उसे चेक करके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये बन चुका है, ठीक है। और बनने के बाद अब हमें सेव करना है, ठीक है। सेव ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वे क्या करते हैं कि यहाँ सेव में जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारा उसकी मर्जी से वो लेना चाहते हैं, तो मैं बताऊँ यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे वो सबसे अच्छा होगा। आप किसी को भी छेड़खानी ना करके सीधे फॉर कंप्यूटर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन क्या करता है, बड़ा फाइल को छोटे में भी करता है और आपका क्वालिटी होता है, वीडियो क्वालिटी HD में होता है, बेटर क्वालिटी होता है। तो मैंने फॉर कंप्यूटर किया और यहाँ पे मैंने, चलिए इसको मैं नाम देता हूँ ट्रायल, ठीक है, ट्रायल लर्निंग करके, और यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप पे है, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर ये फाइल अभी सेव हो जाएगा, फिर अब उस वीडियो को आप यूट्यूब में डाल दीजिए, कहीं भी सेंड कर दीजिए, आप वीडियो कहीं भी डाल सकते, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप विंडोज मूवी मेकर की मदद से एक बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं और भी अच्छे अच्छे चीज़ बताऊंगा, इसमें साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं, या 2-3 वीडियो फाइल को मर्ज कैसे करते हैं, या वीडियो से अंदर स्नैपशॉट लेके उसको भी ऊपर ना लेयर कैसे लगाते हैं, बहुत सारा ऐसे इसमें फीचर्स है जो आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही एडवांस लेवल तक का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आएंगे फिर से कुछ नया और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।